दिल्ली का जेएनयू कैंपस एक बार फिर विवादों में घिरा, दीवारों पर विवादित नारे और स्लोगन। जेएनयू में क्लासरूम के बाहर दीवारों पर और सिक्योरिटी के दरवाजे पर लिखा दिखा ब्राह्मणों भारत छोड़ो। जेएनयू में दीवारों पर ब्राह्मणों के साथ बनिया समुदाय को भी दी गई धमकी, फ्री अलेक्सा और जय भीम के भी दिखे स्लोगन। जेएनयू के नारों पर वीसी का बयान, कहा यूनिवर्सिटी सभी के लिए, ऐसे नारे बर्दाश्त नहीं। जेएनयू प्रशासन ने दिए नारों को लेकर जांच के आदेश, डीन और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से मांगी रिपोर्ट। श्रद्धा मदर केस में आरोपी आफताब का पोस्ट नार्को इंटरव्यू, एफएसएल के अधिकारी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के सवाल जवाब का मिलान करेंगे। आफताब के जवाब से एक और नार्को पर फैसला, दो घंटे के नार्को टेस्ट में आफताब ने मर्डर केस से जुड़े कई सवालों के दिए जवाब। नार्को टेस्ट के दौरान आफताब ने एक बार फिर कबूल किया कि उसने श्रद्धा को मारा, गुस्से में आकर उसने ही श्रद्धा का मर्डर किया। शव के टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की बात भी कबूली आफताब ने, नार्को टेस्ट के दौरान शव के टुकड़ों को जंगल में फेंकने की बात भी मानी। नार्को टेस्ट के दौरान आफताब ने श्रद्धा के मोबाइल फोन के बारे में कहा, कहीं फेंक दिया याद नहीं, आफताब बोला अकेले ही दिया वारदात को अंजाम। वीएचपी ने आफताब पूनावाला के अपराध को लव जिहाद से जोड़ा, केंद्र से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग। वीएचपी का दावा, आफताब पूनावाला की 20 गर्लफ्रेंड और ये सभी हिंदू थी। वीएचपी 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाएगी धर्म रक्षा अभियान, लव जिहाद के खिलाफ लॉन्च करेगी कैंपेन। लव जिहाद के खिलाफ बजरंग दल ने भी कसी कमर, ब्लॉक स्तर पर शौर्य यात्रा निकालने की तैयारी। हिंदूवादी संगठनों ने टीपू पैलेस को 100 ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल करने का किया विरोध, एएसआई ने धरोहर को रोशन करने के लिए तैयार की है सूची। एमपी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, केजरीवाल ने चलाया योग क्लास वाला कार्ड, योग टीचर्स को देंगे सैलरी। प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल का मेगा कैंपेन प्लान, कारोबारियों के साथ करेंगे मुलाकात। एमपी चुनाव में आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी एक्शन में, नुक्कड़ सभाओं को करेंगे संबोधित। सत्येन जैन मामले में घिरी आप, जांच कमेटी की रिपोर्ट में सामने आए कई हैरान करने वाले खुलासे, जेल में लगता था जैन का दरबार। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर सत्येन जैन को घेरा, लिखा ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तिहाड़ टूरिज्म। कानपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव ने किया दावा, ज्यादा दिन रहेगी योगी सरकार, कहा यूपी के दोनों डिप्टी सीएम खुद मुख्यमंत्री बनने की फिराक में है। नहीं रहेगी सरकार और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं, ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दिया खुला ऑफर, 100 विधायक तोड़कर लाओ, 100 मेरे लो, बनाओ सरकार, बन जाओ सीएम। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। रामपुर में अखिलेश के स्वागत के दौरान मंच पर छलका आजम खान का दर्द, पुलिस प्रशासन के खिलाफ दिखा गुस्सा। सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, तुम्हारे झंडे जिंदाबाद। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम पर किया पलटवार, कहा समाजवादी पार्टी लगाती है झूठे आरोप, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की दी नसीहत। जब कोर्ट से सजा होती है या कोर्ट से अगर कोई फैसला आता है तो आप उसके बारे में हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसे खुले मंच से आप कोई बात अपनी नहीं कह सकते। आकाश सक्सेना ने कहा 40 साल पहले रामपुर दूसरी औद्योगिक नगरी थी जिसे पिछली एसपी सरकार ने उजाड़ दिया था। यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी ने दी मियाद हुई खत्म, लेकिन गड्ढे अब भी नहीं भरे। गुजरात की 93 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को होगा दूसरे चरण का मतदान, बीजेपी ने प्रचार अभियान में झोंकी ताकत। दूसरे चरण के मतदान के लिए गुजरात में आज पीएम मोदी का मैराथन प्रचार, 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बनासकांठा में होगी पीएम मोदी की पहली रैली, पाटण, आनंद और अहमदाबाद में जनसभा। गुजरात में आज गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार, मेहसाणा में 2 और अहमदाबाद में 1 रैली।
आज शाम 5 बजे वडोदरा में प्रचार करेंगे अमित शाह। बीजेपी ने किया भव्य रोड शो का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद मेगा रोड शो, 54 किलोमीटर लंबा रूट किया कवर। पीएम मोदी का यह अब तक का सबसे बड़ा चुनावी रोड शो, पुष्पांजलि यात्रा का दिया गया नाम। 14 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा पीएम का काफिला, अहमदाबाद की 13 और गांधीनगर की 1 सीट कवर। पीएम ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की अर्पित, सड़कों पर दिखा लोगों का हुजूम। रोड शो के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रुका पीएम का काफिला, एम्बुलेंस के जाने के बाद आगे बढ़ा काफिला। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी लगाएंगी दमखम। आज मेहसाणा में स्मृति ईरानी का रोड शो, दोपहर में अहमदाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगी स्मृति ईरानी, शाम 4:30 बजे गुजरात के एक एरिया में रैली को करेंगे संबोधित। तेलंगाना पहुंची दिल्ली शराब घोटाले की आज, घोटाले में नाम सामने आने पर बिफरी टीआरएस एमएलसी कविता, घोटाले में गिरफ्तार अमित अरोड़ा ने कविता का भी किया जिक्र। टीआरएस एमएलसी कविता ने कहा, बच्चे भी जानते हैं कि विपक्ष शासन वाले राज्यों में चुनाव के वक्त पीएम मोदी के दौरे से पहले होता है ईडी का दौरा। शर्मिला ने सीएम केसीआर पर किया वार, कहा शराब घोटाला ही नहीं कमलेश्वरम समेत कई घोटाले में शामिल है उनका पूरा परिवार, जांच की मांग की। आज तक से बोले सचिन पायलट, भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में होगा भव्य स्वागत। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को दी नसीहत, भाषा की होनी चाहिए मर्यादा, कहा मैं दूसरे के लिए कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं जो मुझे पसंद नहीं। शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक शब्द इस चीज पर मुझसे निकल जाए तो वापस नहीं आती, इसलिए बहुत सोच समझ के हमें अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा, पार्टी अनुशासन बेहद जरूरी है, कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं और ये बात छोटे बड़े सभी को समझा दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम की तुलना रावण से करने पर बोले पायलट, खड़गे के बयान को ट्विस्ट किया जा रहा है, कहा मोदी इतने बड़े नेता हैं उन्हें सिंपैथी लेने की क्या जरूरत। बड़वानी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सामान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाने की बात कही, कहा सभी को एक ही पत्नी रखने का होना चाहिए अधिकार, ज्यादा नहीं। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं, समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने विकास योजनाओं के पैसे में धांधली पर बढ़ती सख्ती, जनता से कहा योजना का लाभ लेने के लिए किसी अफसर को ना दे घूस, शिकायत पर सेंधवा के सीईओ को मंच से किया निलंबित। मैसूर में कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का समर्थकों ने मनाया अनोखा जन्मदिन, 75 साल के होने पर सिद्धारमैया के नाम का काटा केक, केक पर लिखा था सिद्धारमैया कर्नाटक के भावी सीएम। कैलिफोर्निया में पकड़ा गया गैंगस्टर गोल्डी बरार, खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली खबर। गोल्डी बरार को 20 नवंबर को हिरासत में लिया गया, अमेरिका से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार। लुधियाना कोर्ट में बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, एनआईए ने हरप्रीत सिंह और हैप्पी मलेशिया को किया गिरफ्तार। मलेशिया से लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई गिरफ्तारी, 23 दिसंबर साल 2021 में हुआ था लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका। अमृतसर में पुलिस ने किए 2 गैंगस्टर गिरफ्तार, बरामद किए 5 हथियार, सीसीटीवी फुटेज से मिला जानकारी। यूपी के फिरोजपुर में महिला टीचर पर छात्रों ने किया तलवार से हमला, टीचर ने स्कूल में मोबाइल के इस्तेमाल पर लगाई थी रोक। राजस्थान के करौली में छात्र पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, शराब पीने से टोकने पर शराबियों ने किया था हमला। जोधपुर में टैंकर और कार में टक्कर, कार में लगी भीषण आग, ड्राइवर की जिंदा जलकर गई जान। राजस्थान में करौली में न्याय की तलाश में धरने पर बैठी शहीद की वीरांगना, कलेक्ट्रेट के सामने चल रहा अनिश्चितकालीन धरना, पैकेज राशि हड़पने का आरोप। यूपी के रायसेन में जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने पढ़ाया संविधान का नया पाठ, कहा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी, संगठनों ने जताया आक्रोश। उधम सिंह नगर में प्राइवेट बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, घटना में बस में बैठे एक यात्री की मौत, 6 से ज्यादा घायल। चंद्रपुर में टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 2 बाघों की मौत, एक ही दिन में 2 बाघों की मौत से हड़कंप। कानपुर में युवती से रिक्शा चालक ने की छेड़खानी, रिक्शा चालक को मिली तालिबानी सजा, खिड़की से बांधकर लोगों ने की जमकर पिटाई।
हरियाणा के यमुनानगर में प्लेसमेंट कंपनी में जॉब कर रही छात्रा ने की आत्महत्या। दो महीने में दो छात्राओं ने कॉलेज की छत से लगाई छलांग, पुलिस कर रही है जांच। बिजनौर में छात्र अपराधी ने अपनी कार में अज्ञात युवक को जिंदा जलाया। कर से बचने के लिए खुद को मृत दर्शाने के लिए घटना को दिया अंजाम। क्राइम पेट्रोल देखकर रचा षड्यंत्र। यूपी के मिर्जापुर में 50,000 का इनामिया ठग, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। 40 लाख लूटकर हुआ था फरार। अलीगढ़ में 3 फर्जी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार। 100 से ज्यादा थानेदारों को ठगने का बनाया था रिकॉर्ड। इंदौर में ड्रीम गर्ल मूवी की तर्ज पर चल रहे कॉल सेंटर मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। हांगकांग में निकले ड्रीम गर्ल कॉल सेंटर के कनेक्शन, ऐप से करते थे ठगी। झारखंड के लातेहार में पुलिस को मिली कामयाबी, काफी मशक्कत के बाद साइबर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। यूपी के एटा में किसान को ट्रैक्टर चालक को रुपए न देना पड़ा भारी। ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर से की किसान की हत्या, गुस्साए परिजनों ने आरोपी का घर फूंक कर की लूटपाट। यूपी के उन्नाव में कूड़े में पड़ी दिखी सरकारी दवाई, कूड़े में पड़ी दवाई का वीडियो वायरल। आयरन की गोलियां, सिरप और अन्य सरकारी दवाइयां पड़ी मिली। सोनीपत में शख्स की हत्या का सनसनीखेज मामला, शराब के नशे में मौत की शर्त में दोस्त ने की दोस्त की हत्या। यूपी के पीलीभीत में प्रेमी ने शादी से एक दिन पहले प्रेमिका के साथ की आत्महत्या। मृतक प्रेमी के परिजनों ने प्रेमिका के घर वालों पर लगाया आरोप। आजमगढ़ में बदमाशों ने हेडमास्टर को मारी गोली, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत, इलाके में मची दहशत। मेरठ में महिला ने लगाया थाने में सिपाही और दारोगा समेत 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने कहा झूठे हैं आरोप। गाजियाबाद में लिफ्ट में फंसी 3 मासूम बच्चियां, मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल, पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की। वाराणसी में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ नाव संचालन ठप करके हजारों नाविकों ने किया प्रदर्शन, अब किसी भी राहत बचाव कार्य में पुलिस प्रशासन की नहीं करेंगे मदद। महाराष्ट्र के कल्याण में 15 साल के लड़के ने 9 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, गला रेत कर की हत्या, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रसव के दौरान प्रसूता माँ और बच्चे की हुई मौत, परिजनों ने चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस की पिटाई से दलित युवक की मौत, गांव में 2 गुटों के बीच विवाद सुलझाने गई पुलिस पर निर्दोष युवक की पिटाई का लगा आरोप। पटना में थाने में शराब पार्टी करते 5 कैदी गिरफ्तार, कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप, तैनात 2 सिपाही भी गिरफ्तार। बिहार के मुंगेर में सरकारी स्कूलों में डीएम का दौरा, 5वीं क्लास के बच्चों को नहीं पता किस देश में रहते हैं। डीएम ने शिक्षकों के 10 दिन के वेतन काटने का दिया आदेश। हापुड़ में 143 अपराधी, जिला बदर, निकाय चुनाव आते ही पुलिस ने किया जिला बदर, अपराधियों के घर भजवाई डुगडुगी। बस्ती में मदरसे के ब्रेन वॉश करने वाले मौलाना पहुंचा जेल, ऑडियो में खुली मदरसा, शिक्षक की करतूत, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम और पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी। सवाई माधोपुर में सदर अस्पताल में लाल खून के काले कारोबार का खुलासा, 1 कर्मचारी सहित 2 युवक गिरफ्तार। वर्ल्ड कप फुटबॉल में सबसे बड़ा उलटफेर, 4 बार की चैंपियन जर्मनी बाहर, आखिरी ग्रुप मैच में कोस्टारिका के हराने से भी नहीं बना काम। जर्मनी ने कोस्टारिका के मैच के दौरान रचा इतिहास, पुरुषों ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार मैदान पर देखी सिर्फ महिला रेफरी। दुनिया की नंबर 2 टीम बेल्जियम भी फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर, आखिरी ग्रुप मैच में क्रोएशिया के से मुकाबला ड्रॉ रहा। फीफा वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया और मोरक्को की एंट्री, कनाडा और मोरक्को के बीच हुआ रोमांचक मुकाबला, मोरक्को ने 2-1 से जीत दर्ज की। वर्ल्ड कप में आज रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल का दक्षिण कोरिया से मुकाबला, पहले अंतिम 16 में पहुंच चुका है पुर्तगाल।